हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं TSSCG 2020 के बारे में, जिसे हम तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 भी कहते हैं। तो आज हम स्टूडियो में TSSCG 2020 के बारे में फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, लाइक TSSCG का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरा जा सकता है, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, TSSCG 2020 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका रिजल्ट किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, हर एक चीज जानेंगे हम इस वीडियो में फुल डिटेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे TSSCG 2020 के रिलेटेड हर एक वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो है बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि अगर TSSCG 2020 के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इवेंट रिलीज होता है या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है वो नोटिफाई कर पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं TSSCG 2020 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको अपने ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे गूगल को जो है वो ओपन कर देना है। जैसे आप अपने ब्राउजर पे गूगल ओपन कर देंगे तो वहाँ पे आते ही आपको सर्च करना होगा ctep.co.in। जैसे आप ctep.co.in सर्च करेंगे तो जो आपको आपके ब्राउजर पे सबसे पहला रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये ctep.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको TSSCG के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो ctep.co.in ये जो वेबसाइट है वो TSSCG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके साथ रोज रेगुलरली जो है वो अपडेट भी होती रहती है। तो आइए अब मैं बता देता हूँ कि आप TSSCG के बारे में और किस तरह से जान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर साइड में जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली वहाँ पे आना है। वहाँ पे आते आपको TSSCG टाइप करना है। अगर आप TSSCG के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आपको उधर साइड में TSSCG के आगे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म लिख देना है। पर अगर आप सिर्फ TSSCG के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको TSSCG लिख के यहाँ पे जो है सर्च आइकन दबा देना है। जैसे आप सर्च आइकन दबाएंगे तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं TSSCG के बारे में और डिटेल में जानना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं कि TSSCG का जो फुल फॉर्म है वो है तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि TSSCG का जो फुल फॉर्म है वो है तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और TSSCG का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स है वो जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि लेक्चर की जो पोस्ट है वो तेलंगाना स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जो है वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उस पोस्ट के लिए वो जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं TSSCG के हाईलाइट्स पे। तो सबसे पहले तो जो TSSCG का जो फुल फॉर्म है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ एग्जाम पे। तो जो एग्जामिनेशन टाइप है TSSCG का वो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो स्टेट लेवल है, मीन्स ये जो एग्जाम होता है वो खाली तेलंगाना स्टेट में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, मीन्स किसके द्वारा ये TSSCG एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है, तो वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। मीन्स ये अथॉरिटी जिसके द्वारा ये यूनिवर्सिटी, इसी अथॉरिटी है जिसके द्वारा ये TSSCG का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन मोड है, मीन्स इसका एप्लीकेशन जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा, हमें वहाँ पे जाके इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करके भर के सबमिट करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम मोड जो है वो ऑफलाइन मोड होगा। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपसे एग्जाम सेंटर पूछे जाएंगे, आप दो या तीन एग्जाम सेंटर जो सेलेक्ट करेंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, उसमें से एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा और उस अलॉटेड एग्जाम सेंटर में जाके आपको वहाँ पे पेन पेपर बेस्ड जो है वो टेस्ट देना होगा। जो टोटल टाइम मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए वो 3 आवर्स का रहेगा। टोटल 3 घंटे में आपको जो है आपका TSSCG का जो पेपर है वो खत्म करना रहेगा। और यहाँ पे लास्ट में आपको जो है TSSCG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको TSSCG क्विक लिंक्स दिखा देंगे। सो गाइस, ये क्विक लिंक्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फायदेमंद हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर किसी भी कैंडिडेट, किसी भी व्यक्ति को TSSCG के बारे में और डिटेल में जानना है, पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है, तो उसे सिंपली क्या करना होगा, जिस टॉपिक के बारे में उसे जानना है उसके सामने उसे क्लिक ईयर पर क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो गूगल में एक नए पेज पर चले जाएगा जहाँ पे उसे उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक मुझे एग्जाम पैटर्न के बारे में और जानना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मैं एक नए पेज पर चले जाऊँगा, वहाँ पे मुझे एग्जाम पैटर्न की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप चाहे तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TSSCG एग्जाम डेट्स के बारे में हम बात करेंगे।
तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको हर एक इवेंट की जो है यहाँ पे डेट मिल जाएगी। लाइक एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मार्च, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो मार्च मार्च के मंथ में जो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसका एप्लीकेशन फी है वो मार्च के सेकेंड वीक तक आपको भरना रहता है। उसका एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम के 7 दिन पहले निकलता है, और जो TSSET का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मंथ में ही होता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। सो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरते टाइम आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन के प्रोसेस में एप्लीकेशन भरते टाइम अगर कोई भी गलती कर देते हैं या कोई फेक डिटेल्स भरते हैं तो उससे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे भरने में बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। लाइक आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको जो है उसमें जो रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है वो डिटेल्स पूछी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म में। लाइक आपका नाम पूछा जाएगा, आपके फादर का, आपके मदर का नाम पूछा जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, आपका अल्टरनेट एड्रेस, बहुत सारी डिटेल्स जो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और आपका जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके उसको अपलोड करने कहा जाएगा, और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फी भरना रहेगा। और उसके बाद एक और चीज़ जो है वो ध्यान में रखिएगा, इसके जब एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी के आप जब कंफर्मेशन पेज पे आते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, पर ये जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसमें जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और उसकी वजह से उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करिएगा आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखें, ताकि अभी हम आगे TSSET के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, और साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ हो गया, उसी के साथ आपका सिग्नेचर हो गया, उसे किस तरह स्कैन करके कितने साइज की फाइल्स, कितने KB में जो फाइल रहनी चाहिए, किस तरह उसे अपलोड करना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में उस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फीस की और। तो जो एप्लीकेशन फ़ी रहती है वो नॉन रिफंडेबल रहती है गाइस। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे, आपने एप्लीकेशन फ़ी भरी है, फिर चाहे आप एग्ज़ाम दें ना दें, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगी। अब अगर आप बिलोंग करते हैं OC कैटेगरी से, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 100 रुपीज़ है। अगर आप बिलोंग करते हैं BC से, तो आपकी जो कैटेगरी है वो रहेगी 800 रुपीज़। और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST या VH कास्ट से, तो आपकी जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ रहेगी। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप किए तेलंगाना SET के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए ऑफिशियल्स के थ्रू आपको उसे सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ही आप जो है TSSET के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप उसके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने मिल जाएगा। लाइक आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए, उससे कम मार्क्स रहेगा तो नहीं चलेगा। और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आपके पास रहना चाहिए डिग्री जो रिकॉग्नाइज हो बाई UGC, और साथ ही में साथ ही साथ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी बता दिए गए हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, एजुकेशन एक्सेट्रा, इन सब पे अगर आपके पास इन सब सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है मास्टर्स की, तो आप जो एलिजिबल है। और अगर जो बंदा या जो भी कैंडिडेट रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर वो अगर रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उसी तरह से और भी यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता दिए गए, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट का भी बता दिया गया है कि तेलंगाना SET के अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो भी है एज लिमिट नहीं है, मीन्स कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं। आप कोई भी एज के हो, चाहे बड़े हो या छोटे, आप तेलंगाना SET के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो TSSET का जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो सब्जेक्ट्स आते हैं पेपर 1 में वो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली टीचिंग और एप्टीट्यूड के ऊपर, और जो पेपर 2 है वो हमारे ऊपर रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट जो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, और पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर 1 रहता है उसका जो ड्यूरेशन है, मीन्स टाइम जो रहेगा आपको, वो 1 घंटा 15 मिनट रहेगा। 1 घंटे 15 मिनट में आपको जो पेपर 1 है पूरी तरह से फिनिश करना रहेगा, और जो जो पेपर 2 रहेगा वो आपको 2 घंटे 30 मिनट में आपको पूरी तरह से पेपर 2 है वो खत्म करना रहेगा। नेक्स्ट आप मार्क्स देख की बात करेंगे अगर, तो जो पेपर 1 का मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स, और पेपर 2 का जो मार्क्स रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमर्स, ज्योग्राफी, केमिकल साइंस, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, लॉ, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, हर एक जो भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो सब यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है TSSC SC का एडमिट कार्ड। सो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बता दूँ कि जो एडमिट कार्ड होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको जो है TSSC का एग्जाम देने नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है TSSC का एग्जाम देने के लिए। एडमिट कार्ड में आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती है, लाइक आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका एग्जाम सेंटर का नाम रहता है, आपका जो एग्जाम आपने आप जो देने जा रहे जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे उसका डेट रहता है, उसका जो एग्जाम सेंटर का नाम है वो लिखा रहता है कि कहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना है, कितने बजे आपका एग्जाम है, उसमें टाइमिंग लिखा रहता है, और बहुत ही सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी उसमें रहते हैं। उसी के साथ आपका फोटोग्राफ और आपका जो सिग्नेचर वो भी उस पर रहता है। सो फ्रेंड्स आपको जो है एडमिट कार्ड बहुत ही ध्यान से संभाल के डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ उसी को प्रिंट आउट करके अपने साथ ही रखना है। पर अब सवाल ये उठता है कि कई सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चल पाता है कि जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है और वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते या कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट कर हो जाता है उन्हें। तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी TSSC का एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो हम तुरंत उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि किस तरह से आप TSSC का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड जो है आप बहुत ही आसानी से जल्दी जल्द जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। और अभी हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर दिखाई देगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे TSSC के जो एग्जाम्स है वो अलॉट किए जाते हैं, या ही इन जगहों पे TSSC का एग्जाम्स होते हैं, इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम सेंटर आपको जो है वो अलॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट भी गाइस जो एग्ज़ाम होता है उसके कुछ 2 वीक बाद या 3 वीक बाद जो है वो रिजल्ट निकल जाता है। आप मेक श्योर करें आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो जैसे ही रिजल्ट निकलेगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको वो भी अब नोटिफाई कर देंगे कि रिजल्ट निकल चुका है। फिर आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड रहेगा आप उसे एंटर करके, आपका रोल नंबर एंटर करके जो है आपका अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद अभी आपको TSSC के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की बहुत ही ज़्यादा अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।